ये देखें गाइस यार माशाल्लाह, अभी मैंने नोट किया चिंटू की दुम पे शाइनिंग वाला एक ना पार भी आ रहा है, चेक करें माशाल्लाह। ख्याल से इसकी पूरी दुम पे ना बड़ा पार आ जाएगा, मतलब जितनी दुम है ना उतना पार हो जाएगा, तो फिर और प्यारा लगेगा, मोर लगेगा हमारा मोर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे होंगे, खैरियत से होंगे। चैनल पर मेरे नए हो, चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, वीडियो अपने एंड तक देखनी, आपको काफ़ी मज़ा आएगा, तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। यार क्या कर रहे हो तुम लोग, तुम लोग ने ब्रीड नहीं करनी, नेस्टिंग मटेरियल भी डाल रही है यार, आएंगे अब पता नहीं क्या कर रही हैं, बस छोड़ो इनके हाल पे, छोड़ देते हैं इनको, इनके करनी हुई तो कर लेंगे, नहीं तो बच जाओ यार, छोड़ो माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह। खोलते हैं यार, पहले बजीज फिंचीज और कॉकटेल और स्नो का चेंज होता है दाना, पानी सफाई वगैरह करके फिर ना इन सारों को मतलब दाना वगैरह डालते हैं। इसका तो 24 घंटे पड़ा ही रहता है, अभी भी भूखा इस तरह जितना पता नहीं, रात को दाना निकाल देते हैं। और ये बजीज वाला खाता है यार, ये बजीज वाला और बाजरा और बस, हाँ यही बजीज वाला बाजरा खाता है मिक्स करके। खा ले खा ले, क्या खा रही थी मैंने, क्या थोड़ा व्लॉग बना लूँ तो डर रही है बेचारी, खा लो, सॉरी सॉरी, ये आ रही है आ रही है माशाल्लाह। इसको क्या डाला है, गंदम और बाजरा, हाँ बस ये खाता नहीं है, और ज़्यादा डालो नखरे करता है, नीचे गिरा देता है। ये देखें गाइस यार मेरी मामा का जुगाड़, धूप इन पर डायरेक्ट पड़ती थी तो हमने अम्ब्रेला रख दी, इनको कुछ होगा तो नहीं धूप से क्योंकि पानी में है, लेकिन हम अपनी तरफ से देखते हैं तो इनको देख के हमें गर्मी लगती है, मैं मामा ने कहा इन पर अम्ब्रेला रख देते हैं तो धूप से बची रहेंगी, तो इंशाल्लाह इन पर रोज़ अम्ब्रेला रख दिया करेंगे तो सट्टा काम। देखेंगे यार मेल बाहर आए हैं तो फीमेल अंदर गई है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सारे बच्चे निकल आएंगे। तो यार ये सफाइयाँ फुइयाँ हो रही हैं इनकी, रोज़ ही होती हैं, शीट से यार बहुत अच्छा होता है, गंद भी नहीं होता और पानी मारो तो गंद सारा उतर भी जाता है, मैंने अपने सारे बर्ड्स के नीचे शीट लगाई हुई है, बस इनको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, सफाई और खाना अच्छा। तो अगर आपने भी कोई भी चीज़ रखी हुई है मतलब बर्ड वगैरह या जानवर कोई भी, तो बस उसका सफाई और खाना अच्छा रखें तो इंशाल्लाह वो ब्रीड आपके पास जरूर करेगा। तो यार मेल्स खोल दिए हैं, फीमेल्स कर दिए हैं बंद, सफाई भी हो गई है, सारे सेटअप को खाना वगैरह डाल दिया है, अब सुकून आ गया क्योंकि इनका जब पेट भरा होता है ना तो आप बहुत रिलैक्स हो जाता हूँ मैं। ये देखें गाइस इसकी हरकतें, ये सुबह सुबह ना ठक ठक की आवाज़ें आके ये ना खोलता है बकायदा, ये देखें किन ग्लू में इसने अपना ट्रेडर पकड़े हुए हैं, या तो दास है कि एक हूँ, या तो कह रहा है मुझे आज़ादी चाहिए, दोनों। सरप्राइज़ मुझे मेरी सिस्टर ने दी है, मैंने परचेज नहीं की वो चीज़, तो चीज़ वो एक्वेरियम के लिए यार, तो वो मैंने कहा यार मैं आप बता देता हूँ ये वो क्या, तो यार वो शार्क फिश थी, तो सिस्टर के सामने मैंने कहा था यार मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि मैंने फ़िश लेनी है शार्क, तो एक्वेरियम प्यारा लगेगा, उनके माइंड में थी ये बात, तो वो यूनिवर्सिटी से वापसी पे कल मेरे लिए ले आई तो मुझे सरप्राइज़ दे दिया, तो यार सिस्टर थैंक यू सो मच इतना प्यारा सरप्राइज़ देने के लिए। तो मैंने ना शॉपर समेत ही ना एक्वेरियम में डाल दी, मतलब इस तरह ओपन नहीं की फिशेज, डर भी लग रहा था यार, तो शार्क जैसे कि बचपन से सुनते हैं एग्रेसिव होती है, तो मैंने कहा ये ना सुबह उठूँ तो एक भी ना फिश होगी इसमें, तो शापर समेत ही डाल दी, तो अभी भी शापर में ही है वो, तो अभी उनको खोलेंगे और डालेंगे बीच में,
एक्वेरियम के, तो बस दुआ ये करनी है यार लड़े ना, अगर लड़े तो फिर बहुत मसला हो जाएगा, कभी अगर ज़ख्मी होगी तो काफ़ी दुख होगा, तो डर भी लग रहा है यार, बस अल्लाह के आसरे पे छोड़ते हैं तो इंशाल्लाह नहीं लड़ेंगे। ये देखें यार, रात से एक्वेरियम में था शापर, तो शापर एक्वेरियम के अंदर ही लीक हो गया, तो हम इसमें शिफ्ट कर रहे थे बाल्टी में, तो इसका पार फंस गया, अब इसको निकालते हैं, तो बड़े एहतियात से निकालना पड़ेगा, इसका पार बहुत नाजुक होता है। इस नट में ना इसका पार फंस गया था, तो पार निकालते हुए उंगली करो, तो यार इसका ये कांटा लग गया है, तो ये तो असली शार्क वाला बिल्कुल दुख छुप दे दिया, इतने ज़ोर से इसके कांटे हैं जैसा सुई है, सादी लगती हैं लेकिन सादी हैं, तो यार चेक करें माशाल्लाह, शापर में बड़ी लग रही थी इस तरह अब छोटी लगती हैं, तो बड़ी एक्टिव है माशाल्लाह, ब्लू लाइन शार्क है। अभी एक्वेरियम में डालूंगा ना, फिर उधर ना आपको सही नज़र आएगी। ये तो यार सरप्राइज़ आज का, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कैसा लगा आपको। ये क्या हो गया, तेज़ बहुत है यार, बहुत मस्ती करती हैं। वाओ माशाल्लाह माशाल्लाह गाइस, ये चेक है, लड़ना नहीं यार। ओए गोल्डन क्या कर रही है, मेरी पकड़ ली, ओ ये गई, माशाल्लाह माशाल्लाह, चेक करें गाइस, इतनी हैरान नहीं हुई क्योंकि रात पूरी या शापर में एक्वेरियम के अंदर ही देंगे। ओए ओ ये क्या कर रही है, अच्छा पास उसको घूम रही है, लड़ना नहीं यार। तो यार घंटा हो गया पूरा मैं इनके पास बैठा हूँ, मैं इनको चेक कर रहा था लड़ेंगे तो नहीं, लड़ तो नहीं रही, तो अल्लाह का शुक्र है ये काम गुड हो गया, तो साफ़ किया वह एक्वेरियम चेक करें, तो ये आ गई यार, इसके रबड़ ले आए थे लाइट के, क्योंकि पहले हम टेप से लगाते थे, टेप से कभी उतर जाती थी कभी डूब जाती थी लाइट, तो अब प्रॉपर सेटिंग करके लाइट लगाई है, तो पापा कहते हैं फिशेस नहीं हैं, तो एक्वेरियम साफ़ करेंगे तो फिर फिशेस डालेंगे। एक्वेरियम बिल्कुल साफ़ कर दिया, लाइट भी फिट लग गई, तो शार्क अपने घर में इंशाल्लाह, उम्मीद तो यही है बहुत खुश होंगी। तो यार सिस्टर जब फिशेस लाई थी तो ये दो पैकेट भी ले आई थी फीड के, तो फीड ये भी बहुत अच्छी है, मैंने चेक की है, रात को यही डाली थी, तो ये फीड भी बहुत अच्छी है, तो आइंदा से ना इंशाल्लाह यही डालेंगे, ये तकरीबन दो एक महीने ना इंशाल्लाह चल जाएंगी, उम्मीद तो यही है क्योंकि बड़े पैकेट हैं ना। चेक करें माशाल्लाह शाइन भी दे रही है, एक ही है फिर अब बिल्कुल सामने आ गया, ये देखें माशाल्लाह यार एक्वेरियम भी बिल्कुल साफ़ कर दिया पापा ने, और फिशेस भी न्यू आ गई, तो अब ऑक्सीजन चला देते हैं क्योंकि शार्क रात से ना शापर में थी, होता तो नहीं है यार कुछ, तो सिस्टर कह रही थी जिस शॉप से ली थी ना, तो वो जब फिशेस पैक करते हैं ना तो वो ऑक्सीजन वाला स्प्रे कर देते हैं, हर शॉप वाला यार कर देता है स्प्रे, उन लोगों ने रखे होते हैं, तो फिर भी ऑक्सीजन चला देते हैं ताकि ये खुश हो जाएँ। तुम लोग भी खुश हो, नया घर है, वी आई पी घर, पत्थरों वाला घर, इतने बड़े बड़े फ्रेंड्स, जो नई आई हैं वो भी खुश हैं, पुरानी तो खुश ही खुश है, ये सबसे बड़ी फिश, खुश हो हैं, खुश हो, चलो जल्दी से आप बच्चे सच्चे दो एक्वेरियम ताकि बढ़ जाए हमारा, सुस्त क्यों हो यार, इसका मुंह देखे आए, ये देखें बो 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 बो। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल समान शार्क को सब्सक्राइब लाजमी कर देना, लाइक और सब्सक्राइब मस्त। तो यार फाइनली शार्क आ गई है, तो इंशाल्लाह यार आप बस सब्सक्राइब करते जाओ, मैं आपको सरप्राइज देता रहूँगा और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाता रहूँगा, तो इंशाल्लाह एक दो चीज़ें और मंगवानी है, तो इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगी, वो भी बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, बस आपने लाइक और सब्सक्राइब मस्त अगले ब्लॉग के लिए मुझे दीजिए, ज़्यादा तो अगले फिल्म अपना बहुत सारा ख्याल रखना।